ये मोदी क्या है, मोदी को मोदी कोई चीज है क्या? तुम्हारे पास परिवार नहीं है, और तुम्हारी माताजी जब, और तुम हिंदू भी नहीं है। भगवान जी को यही प्राण पखेरु प्राण प्रतिष्ठा, बिना प्राण प्रतिष्ठा के भगवान जी इतना दिन से थे। लागल लागल झूलनिया में धाका बल्लम कर कहता चलो। तेजस्वी को मालूम हो गया था कि राजभवन में नरेंद्र मोदी से राज्यपाल ने वहां समय दे करके बात कराई, लोग बात कर लिया था। नीतीश कुमार जी को हमने कोई गाली गलौज नहीं दिया, लेकिन दोबारा हमसे गलती हो गई, तेजस्वी से गलती हो गई, दोबारा ही पलट गए नरेंद्र मोदी के पैरों के नीचे चले गए। आप लोग अभी से लग जाइए जाके, दिल्ली के ऊपर कब्जा करना है, तैयार बनो लोग ना, हाथ उठाकर बताओ जब तैयार बनेगा। उठाए रहिए जब तक नरेंद्र मोदी नहीं देख लेता। देखो देखो नरेंद्र मोदी, ऐतिहासिक गांधी मैदान में बिहार के कोने कोने से आए हुए सभी भाइयों बहनों नौजवान साथियों, इस रैली में देश भर के गठबंधन के सभी हमारे नेता श्री राहुल गांधी, खड़गे जी, येचुरी जी और सीपीआई के नेता, आप सभी लोगों से हमारे नेताओं ने तेजस्वी यादव ने जब जन विकास रैली में गए थे बिहार के कोने कोने में, इनका भाषण हो रहा था आपके बीच में, तो तेजस्वी यही आपसे अपील कर रहे थे कि गांधी मैदान में 3 तारीख को आइए, पापा ने बुलाया है। और 10 दिन तक आपके आंगन में, आपके खेत और खलिहानों में तेजस्वी यादव बिना सोए हुए घूमते रहे। अभी ज्यादा कसरत करने की जरूरत ही है कि सभी अत्यंत पिछड़े भाई, पिछड़े वर्गों के लोग, दलित भाई के बीच में अभी हम लोग को मेहनत करना है जाकर। उन्नीस सौ नब्बे में आप सबको, हमारे नौजवानों को पता है या नहीं, लोकतंत्र में जो हमें अधिकार है, दलित पिछड़े आदिवासियों को
इससे दूर रखा जाता था वोट कर अधिकार से, और वोट और मतदान केंद्र, ये जो बड़े बड़े लोग थे, सामंती लोग, ये सब अपने दरवाजा पर रखते थे बूथ को कि गरीब आवे नहीं। और उनको उनके वोट को लूट लिया जाए, हमने ताकत दिया लोगों को, ताकत दिया इसी गांधी मैदान में सभी छोटी छोटी जातियों का सम्मेलन कराया, जातीय सम्मेलन, सबको बुलाया है यहां, सबसे भाषण कराया, और पूरा बिहार में ही नहीं देश भर में गरीबों को जो अधिकार दिया, मंडल कमीशन लागू कराया। इस मंडल कमीशन का नतीजा हुआ कि आज कोई भी जो अपने को बड़े आदमी कहते गरीबों के तरफ आंख नहीं दिखाता, हिम्मत नहीं है। पहले तो चापाकल नहीं था, नल नहीं था, कुआं हुआ करता था, इनार जिसको बोलते, इनार पर, सुनो ना भाई, इनार के ऊपर अगर कोई ऊंच जात के महिला पानी भरती थी और ये दबे कुचले लोग ये अगर कुआं में डाल दिया साथ में पानी में, तो उस पानी उसको बाहर निकाल दिया जाता था। और कुआं में के पानी को शोध करके पानी को तब लोग रख लगते थे, ऐसे पानी फेंक देते थे। मंडल कमीशन का पूरा सारे देश भर में फैलाव हुआ, और फैलाव ही नहीं हुआ, सत्ता में पिछड़े वर्गों के लोगों का पूरा कब्जा होने लगा। आज वही नतीजा है, नतीजा है कि आज हर पिछड़ा वर्ग और दलित गरीब आदमी सत्ता के मुख्य दरवाजे पर आके खड़ा है। ये मोदी क्या है, मोदी को, मोदी कोई चीज है क्या? ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई, तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं हो, तुमको हुआ बता? ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है, अ
और तुम्हारी माता जी जब, और तुम हिंदू भी नहीं है, तुम्हारी माता जी का जब देवावसान हो गया तो हर हिंदू अपने मां के शोक में केस दाढ़ी बनवाता, दाढ़ी छिलवाता। क्यों नहीं छिलवाया बताओ, क्यों नहीं छिलवाया? देश भर में नफरत फैला रहे हो, राम रहीम के बंदों में, ताकि भगवान जी को यही प्राण पखेरु प्राण प्रतिष्ठा, बिना प्राण प्रतिष्ठा के भगवान जी इतना दिन से थे। बिहार में राजा दशरथ के जनकपुर में रामचंद्र जी का ब्याह हुआ, शादी, और बिहार जैसा राज एक से एक यहां पर वीर, एक से एक सुरमा यहां पैदा लिए बिहार में। इसी गांधी मैदान में न जाने कितना बार देश भर के नेताओं का सभा और मीटिंग हुआ, और यहीं से देश भर में संदेश गया, बिहार का हवा, इतने बिहार की हवा में दम है कि जो बिहार फैसला लेता है वही देश के लोग अनुकरण करते हैं। और आज कल यही होने वाला है मेरा किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ है। हमारी बेटी यहाँ रोहिणी आचारी बैठी है, अपना किडनी हमको दान दे दी, जीवन दान कर दिया, और हम पूरा बीमार जरूर हैं, लेकिन बीमार हम समय पर नहीं हैं। तेजस्वी काफी मेहनत कर रहा, मैं देख रहा हूं कि आप लोग इतना ताकत दिया, लोगों को रोजी रोजगार नौकरी दिया। तेजस्वी, हम रोज पूछते थे कि आज कितना दिया। फिर सिपाही में कितना हुआ, फिर ये भी हमने कहा कि रिजर्वेशन कर लो, तब सिपाही का बहाली करो, ताकि उसमें सभी पिछड़े दलित लोगों को मिले, सिपाही में संख्या बढ़े। नीतीश कुमार, नीतीश कुमार जी को हमने कोई गाली गलौज नहीं दिया, वो पहली बार यहां से निकले थे
काम उनको कोई गाली नहीं दिया, उनको यही कहा कि ये पलटू राम है, नहीं पलटना चाहिए था। लेकिन दोबारा हमसे गलती हो गई, तेजस्वी से गलती हो गई, दोबारा ही पलट गए नरेंद्र मोदी के पैरों के नीचे चले गए। हम देखते हैं कि ये टेलीफोन में एक से एक डांसर बनाता है, कोई माला जावा कर रहा है, कोई कुछ। नीतीश कुमार को, नीतीश कुमार को शर्म नहीं आती है ये देख करके क्या? दिन में पेट को उभरा रहे हैं, इधर तक देख रहे हैं कि शरीर भी काम नहीं कर रहा नीतीश कुमार का। आज के गांधी मैदान का और आप लोग का जुटान देख करके और भी पता नहीं क्या क्या उनका कौन बीमारी और फायदा ले लेगा। गांधी मैदान का आज का ये रैली मैं आह्वान करता हूं कि आने वाला जो चुनाव है, लोकसभा का चुनाव, इसमें भारतीय जनता पार्टी को नस्नाबूद कर देंगे हम। बताइए, नीतीश कुमार बिना तेजस्वी को मालूम हो गया था कि राजभवन में नरेंद्र मोदी से राज्यपाल ने वहां समय देकर के बात कराई, लो बात कर लिया था। कोई कोई ऐसा सरकार में कोई गलत काम नहीं हुआ कि अपना नीतीश कुमार, इनको पता नहीं क्या लगा। ठीक, हम लोग बोलते थे कि लागल लागल झुलनिया में धाका बजन, लागल लागल झुलनिया में धाका बलम कर कहता चलो। अब फिर एन एंड लौट के आगे की हिम्मत करी है, तो यहां से बढ़िया से धक्का मिली फिर। अब आप लोग अभी से लग जाइए जाके, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दलित, इन वर्गों तबकों में पूरा इनके घर पर जाइए, मिलिए, खाइए, घूमिए, ताकत दीजिए और इनको हम लोग ताकत देंगे। और ताकत हमने दिया है, जब हम सत्ता में थे अत्यंत पिछड़े वर्गों को यहां तो बुलाते ही थे सबको, एमएलसी में एक दिन में 11 जाति को हमने एमएलसी में हमने बहाल किया, नियुक्त किया, सभी तबका, सभी अत्यंत पिछड़े वर्गों के लोगों को हम लोगों ने कोई कमी नहीं की, लोगों को इज्जत और प्रतिष्ठा देने में। और आगे भी हम लोग, ये पार्टी आपकी है, ये दल आपका है, अपने सिद्धांत पर खड़ा रहना
और खड़ा होकर के नरेंद्र मोदी, लोग बोल रहे हैं कि ये वादा किया था रोजी रोजगार देंगे, नौकरी देंगे और पास बनवाइए, खाता खोलिए, खाता खोलिए, याद है ना आप लोगों? प्रत्येक खाताधारी को खाता में 2-2 लाख सदस्यों को देंगे। हम भी गलतफहमी में आ गए हो कि हो सकता है कि देगा भाई, हाँ 15 लाख। हम भी, आपको मालूम होगा कि 7 बेटी 2 बेटा पति और पत्नी, इतना लोगों का खाता खुलवाया कि करोड़ों करोड़ों मिल जाएगा। ठेंगा दिखा दिया, राहुल, राहुल जी बैल, अच्छा गए खड़ गए जी। तो आप लोग अखिलेश बाबू, अखिलेश यादव जी ने जिन बातों की तरफ इशारा किया है उस तरफ ध्यान दीजिए। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल और या गठबंधन झारखंड हेमंत सोरेन, ये सब मिलके हम लोग पूरा गुलबंद होकर के इनको यहां से विदा करेंगे, खेलेंगे यहां से। और क्या बोल रहे हैं, हाँ दिल्ली के ऊपर कब्जा करना है, तैयार बनो लोग ना, तो हाथ उठाकर बताओ जो तैयार बनेगा, उठाए रहिए जब तक नरेंद्र मोदी नहीं देख लेता। देखो देखो नरेंद्र मोदी, तेज प्रताप, तेजस्वी, तेजस्वी को और मजबूत करना है, मजबूत तो है ही, काफी मेहनत करता, हम सभी बेसी मेहनत कर रहा है भी, हैं? कृष्ण अर्जुन जी का सब लोग आह्वान के थ्रू सब लोग जाएंगे, सब लोगों से तेज प्रताप अतर सर जब से यात्रा शुरू हुआ तब से मीसा भारती पूरा घूम रही है, अभी घूमते रही। अब आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव की तैयारी करें सर, चुनाव की तैयारी करिए, चुनाव की तैयारी में लग जाइए। हम आएंगे, हम खुद आएंगे सब जगह। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।
जिंदाबाद।